वेलकम टू माय चैनल। आज क्या बनेगा? आज हम बना रहे हैं ऑरेंज वाली गाजर का गाजर हलवा, जिसमें हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर गर्मियों में भी गाजर का हलवा खाने का मन करे तो इस तरीके से बिना चीनी के गाजर का हलवा घर पे बहुत आराम से बनाया जा सकता है। इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी बनेगा। कोई मावा, कोई घी, किसी तरीके की कोई भी हैवी चीज़ यूज़ नहीं की है, बहुत ही लाइट वेट हलवा है। आइए बनाते हैं फटाफट। मैंने यहाँ पर 1 किलो ऑरेंज वाली गाजर को छील कर कद्दूकस किया हुआ है। मिक्सी में मत घुमाइएगा। एक कढ़ाई में 2 छोटे चम्मच देसी घी लेकर, गाय का घी लीजिए, थोड़ा सा लाइट होता है, उसमें मैंने सारी गाजर को डाल करके एक बार चला दिया है। गाजर को कद्दूकस कर लेने में ही बढ़िया दानेदार गाजर का हलवा बनता है। मिक्सी में चलाकर या उबालकर कसने से दानेदार हलवा नहीं बनेगा, तो ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए, ट्रेडिशनल रेसिपी को ही इजी कर देते हैं। अब कुछ देर के लिए हमने ढक करके गाजर को पकने के लिए छोड़ दिया है मीडियम फ्लेम पर। तब तक हमने फुल फैट वाला काउ मिल्क ले लिया है। मतलब काउ मिल्क वैसे तो इजी होता है डाइजेस्ट करने में, लेकिन उसके ऊपर की मलाई भी ले ली है थोड़ी सी रिचनेस बढ़ाने के लिए। 1 लीटर दूध है, 1 किलो गाजर है। एक भारी तले के पतीले में दूध को भी साथ साथ चलाते हुए रिड्यूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ गाजर को भी मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए रिड्यूस कर रहे हैं। गाजर को हमें बार बार ढक करके पकाना है, जिससे इसका फ्लेवर इंटैक्ट रहे, ये सूखी सूखी भी ना हो, इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी बचे रहें। ये अपने आप धीरे धीरे अंदर तक पक भी जाएगी। ऐसा करने से प्रोसेस थोड़ा फास्ट भी हो जाता है। बीच बीच में 5-5 मिनट के गैप पर ज़रूर से ज़रूर चलाते रहिए, फिर से ढककर के पकाइए। तब तक दूध पर भी ध्यान दीजिए। मीडियम फ्लेम पर दूध को हर बार उबाल आ करके वापस उबाल जाने तक चलाते रहिए। ऐसा करने से इसके अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो जल्दी से उड़ जाएगा। जब तक गाजर रिड्यूस होगी तब तक दूध भी 1/3 ही रह जाएगा। इस वक्त दोनों फ्लेम मीडियम पर एक जितनी चल रही हैं। वैसे तो ज़्यादातर लोग गाजर को बिना घी में भुने डायरेक्ट दूध के साथ पकने के लिए छोड़ देते हैं घंटों तक। वैसा करने की ज़रूरत नहीं है, गर्मी का मौसम है, गाजर का हलवा खाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि घंटों तक पकाएं फिर गाजर पाकी बनेगा। बहुत ही जल्दी अराउंड प्रिपरेशंस को मिला करके आधे घंटे में ये गाजर का हलवा बन करके तैयार हो जाता है। टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा और एकदम लाइट वेट गाजर का हलवा बनेगा। ये देखिए दूध का कलर चेंज हो गया है, इसकी जो विस्कोसिटी है यानी जो थिकनेस है वो चेंज हो गई है। गाय का दूध है इसलिए इसमें थोड़ा सा येलोइश कलर नज़र आ रहा है। जो मलाई जम रही है उसको खुरच खुरच कर वापस इसी में मिक्स कर दीजिए। मैंने बहुत बड़े बर्तन में इसको उबालने के लिए नहीं रखा है, आप भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, लेकिन भारी तले के बर्तन में इसको रखिए। अब आप दूध की कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए, काफ़ी गाढ़ा हो गया है, चम्मच पे चिपकना शुरू हो गया है और क्वांटिटी में 1/3 to 1/4 रह जाए तब तक आप दूध को चलाते रहिए। गाजर का भी पानी उड़ जाएगा, वो गाजर भी जितनी भरी हुई थी कढ़ाई में उससे 1/4 ही रह जाएगी। कलर एकदम चेंज हो जाएगा, चाहे तो टेस्ट कर सकते हैं, गाजर के अंदर अपने आप ही मिठास आ जाएगी, दूध भी हल्का मीठा सा लगने लगेगा। मिलाने से पहले चाहे तो टेस्ट कर सकते हैं। मिला करके मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते रहिए। गाजर, ये वाली जो गाजर है इसके अंदर विटामिन सी काफ़ी होता है, दूध थोड़ा फट जाए तो कोई बात नहीं, वो मावा की तरह ही लगने लगेगा। हमने डाल दिया है 100 ग्राम गुड़, 1 किलो गाजर, 1 किलो दूध,
और 100 ग्राम गुड़, इतना काफ़ी है। अच्छा मीठा गाजर का हलवा बनाने के लिए कम करना चाहें तो गुड़ को कम भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बिना गुड़ का थोड़ा सा गाजर का हलवा निकाल लिया है। टेस्ट चेक करके देखिए, बिना गुड़ के भी बहुत बढ़िया मिठास होगी। ये उन लोगों के लिए है जो डायबिटिक हैं, लेकिन जो मीठा खा सकते हैं वो भी चीनी क्यों खाएं, गुड़ खाएं, ज़्यादा हेल्दी है। जस्ट गार्निशिंग के लिए 4-5 खजूर, छुहारे, बादाम, काजू, जो मर्जी डाल दीजिए। मैंने 5 काजू डाले हैं। बस सर्व कर दीजिए। ठंडा खाना चाहे ठंडा, गर्मा गर्म खाना चाहे गर्मा गर्म खा सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।